हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मजेदार और जासूसी पहेलियाँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से पार्ट डिफरेंसेस कौन से हैं। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, चलिए इसका जवाब देखते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये, तीसरा डिफरेंस है ये, चौथा डिफरेंस है ये और पांचवा डिफरेंस है ये। दोस्तों, आपने इनमें से कितने डिफरेंसेस ढूंढे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लीली 5 साल की एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। एक दिन उसका किडनैप हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद पुलिस आती है। पुलिस को उस अपार्टमेंट में 3 सस्पेक्ट्स मिलते हैं, मिस्टर वर्मा, श्रद्धा और मिसेज जॉन। पुलिस उन तीनों से पूछताछ करती है। तीनों ही किडनैपिंग की बात से मना कर देते हैं। पुलिस समझ जाती है कि इनमें से ही कोई है जिसने लीली का किडनैप किया है। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता है कि अब इन तीनों में से लीली का किडनैपर कौन है। तो पुलिस उस अपार्टमेंट में उनके घरों की जांच पड़ताल करती है। तो दोस्तों, क्या आप इन तीनों के घरों को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि किसने लीली का किडनैप किया है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों, क्या पता लगा पाए कि इन तीनों में से किसने लीली को किडनैप किया है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। लीली का किडनैप मिसेज जॉन ने किया है। अगर आप मिसेज जॉन के घर को ध्यान से देखोगे तो सोफे पर एक टेडी बियर रखा हुआ है और ये वही टेडी बियर है जो लीली ने अपने हाथ में रखा था। यही देखकर पुलिस समझ जाती है कि मिसेज जॉन ही किडनैपर है। दोस्तों, अगर आपको ये पहेली पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी को देर रात एक रोहन नाम के लड़के ने फोन किया। वो पुलिस को बताता है कि मेरे घर के सामने एक लड़की मरी पड़ी हुई है। इस बात की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस लाश के आसपास की जांच पड़ताल करती है और रोहन को कहती है, चलो अंदर चलकर बाकी की बातचीत करते हैं। घर के अंदर आने के बाद रोहन पुलिस को बताता है, मैं सोया था, तभी किसी की जोर की चीख से मैं जाग गया। मैं तुरंत बाहर की तरफ भागा, लेकिन वो लड़की पहले ही मर चुकी थी। इसके बाद मैंने तुरंत ही पुलिस को फोन किया। रोहन की ये बात सुनने के बाद पुलिस तुरंत ही रोहन को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्यों? दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस ने रोहन को क्यों गिरफ्तार किया? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि पुलिस ने रोहन को क्यों गिरफ्तार किया? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। उस लड़की का खून रोहन ने ही किया है। पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास हो, इसलिए रोहन ने नाइट ड्रेस पहना था। रोहन ने कहा था कि वो अभी जागा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका बिस्तर बना हुआ है। और अगर वो तुरंत जागा था और तुरंत बाहर की तरफ भागा था तो वो इतने जल्दबाजी में अपने साथ फोन कैसे रख सकता था और इतने जल्दी जूते भी कैसे पहन सकता है? मतलब रोहन झूठ बोल रहा है। अनु और अप्पू अपने रूम में बैठकर कॉमिक्स पढ़ रहे थे, तभी वहां चीकू आता है और अनु और अप्पू को कहता है,
तुम दोनों क्या कर रही हो? तो अनु कहती है, हम दोनों कॉमिक्स पढ़ रहे हैं जो आज ही मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दी है। चीकू कहता है, अरे वाह, कॉमिक्स मुझे भी बहुत पसंद है, क्या तुम मुझे भी दोगी? अनु चीकू को कॉमिक्स देने से मना कर देती है। अनु के मना कर देने से चीकू उदास हो जाता है। चीकू को उदास देख अप्पू कहती है, चीकू मैं तुम्हें अपने कॉमिक्स दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुमने मेरी एक पहले का जवाब सही दिया तभी। चीकू कहता है, ठीक है तुम पूछो पहली। अप्पू पहली पूछती है, बताओ ऐसी कौन सी भाषा है जो खाने के काम भी आती है? दोस्तों इस पहली का जवाब अगर आपको भी पता हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए। चीकू तुरंत इस पहली का जवाब देता है, इस पहली का जवाब है चीनी। अप्पू कहती है, अरे वाह चीकू सही जवाब, और वो अपने कॉमिक्स चीकू को दे देती है। इस तितली को ध्यान से देखिए, अब इस लाइटर को ध्यान से देखिए, और अब इस पेंसिल को ध्यान से देखिए, और अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सी तितली देखी थी? आपने इनमें से ये वाली तितली देखी थी। अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा लाइटर देखा था? आपने इनमें से ये वाला लाइटर देखा था। और अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सी पेंसिल देखी थी? आपने इनमें से ये वाली पेंसिल देखी थी। दोस्तों क्या आप इस मेमोरी टेस्ट में पास हो पाए? आप अपना जवाब कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। क्या आप जान पाए कि कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। दोस्तों अगर आपको ये पहेली पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो क्या आप जान पाए कि कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। इस पिक्चर में दो लड़कियां अपने अपने घर में खड़ी है और कहीं बाहर घूमने जा रही है। दोस्तों इन दोनों लड़कियों में से कोई एक लड़की अमीर है। तो दोस्तों क्या आप इस पिक्चर को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी लड़की अमीर है, लड़की ए या लड़की बी? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों क्या आपने जवाब कमेंट किया? अगर आप लड़की बी को देखोगे तो उसने मॉडर्न कपड़े पहने हुए हैं, जो कि ज्यादातर लड़कियां पहनती ही है। लेकिन अगर आप लड़की ए को ध्यान से देखोगे तो उसके एक हाथ में आईफोन है और उसके दूसरे हाथ में पर्स के साथ कार की चाबी भी है। इसका मतलब लड़की ए ही अमीर है। दोस्तों इस बारे में आप क्या सोचते हैं,
आप अपना जवाब कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।